हमारे पास Redmi 5 है, नो सर्विस का प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, नो सर्विस का फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये इसकी WTR IC का फॉल्ट आता है मोस्टली। ये आप तभी कर पाएंगे आप जब आपको चिप लेवल आता हो, और समझ भी तभी पाएंगे जब आपको चिप लेवल आता हो। तो सबसे पहले मैं इसका WTR IC को हटा रहा हूँ और इसके बाद हम इसको बदल देंगे, ठीक है। अब ये हमारी WTR लग चुकी है और अब हम इस सेट को पैक करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। चले एक कॉल लगा कर देख लेते हैं। कॉल भी हमारी कनेक्ट हो चुकी है। चलिए ये तो हो गया यहाँ तक की बात। अब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल और दे देता हूँ। अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो इसमें और थोड़ी डीप की बातें हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक वायर लगता है जी, नेटवर्क वायर होता है, ठीक है। वो यहाँ से गायब था। अगर मैं नेटवर्क वायर लगा भी दूंगा तो यहाँ से इसका कनेक्शन गायब था। तो आपको क्या करना है, ये लाइन जो आ रही है या रेने लाइन, ये इस पे आ रही है कनेक्टर पे। तो एक जंपर तो आप यहाँ से उठा लो, ये यहाँ से उठा लो एक जंपर, और ये यहाँ से जो घुसती है फिर इसमें घुसती है इस पे एंटीने पे को, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, और इधर को जो चौड़े चौड़े पॉइंट है वो चौड़े चौड़े आप इससे चौड़े से जोड़ दो। पहले तो यही करना है, इसके बाद भी अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है, हाँ दूसरा ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे करके फिट करके फिट करनी है। कभी उठी भी होए तुम सोचो अगर नेटवर्क नहीं आ रहा, पता चला ये उठी भी नहीं है, वो दबी भी नहीं, जिसकी वजह से नेटवर्क भागेगा। नहीं आ रही समझ बात, एंटीना से इसके टिप करना चाहिए जो भी ये अगर ऐसे उठा हुआ होगा ना, ये ऐसे अगर ये हल्का सा उठा हुआ होगा तो भी नहीं आने का नेटवर्क। तुम कभी WTR बदलो और ये बदलो, उससे कुछ भी नहीं होने का जब तक ये नहीं करोगे। ये अगर ये यानी के अगर ये लूजिंग है यहाँ पे हल्के बहुत, तो वो कनेक्ट नहीं होगा एंटीना इसका बोर्ड से, तो ये भी बिल्कुल फिट होना चाहिए, एकदम झिरी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। दूसरी बात, ये वायर सही से लगा होना चाहिए, नहीं तो जंपर सही से लगे होने चाहिए। इसके बाद ये भी होना चाहिए फिट इस पर बिल्कुल बढ़िया से, और पेज वेज कसे हुए होने चाहिए बढ़िया। अगर इससे भी नहीं होगा तब हम इसको आईसी को खोल के, और इसकी WTR ये होती है 2965 उसका आईसी का नाम है,
ये आईसी आपको नेटवर्क की आईसी बदलनी है, और इसके बाद में नहीं होगा तो फिर एक लंबा डिटेल है वो बाद में पता चलेगी, ठीक है। चलो अब मेन काम शुरू करते हैं।